हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीति द स्ट्रैटेजी। ये दूसरी वीडियो लेकर आई हूँ मैं शिक्षा मनोविज्ञान की, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मार्क कराऊंगी ताकि आप पे कम से कम बर्डन पड़े इस बुक को पढ़ते हुए। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क किए थे। वो थोड़ा हैवी चैप्टर था, इसलिए आज मैं थोड़ा लाइट चैप्टर लेकर आई हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग कि आपका लिंक टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपने बुक और पेंसिल ले लिया होगा। प्लीज़ ओपन कर लीजिए पेज नंबर 230 एंड ये चैप्टर 10 है, मॉरल डेवलपमेंट। ओके, ये एक लाइट चैप्टर है, इसमें करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपको ये करा दूँ। जैसे कि पहले जो थोड़ा आपने हैवी चैप्टर किया है और अब लाइट, ऐसे ही कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे ताकि एकदम से आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। ओके, तो इसका फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसको आप कट कर दीजिए, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं बताया गया जो आपको ना पता हो। एक सेकेंड, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसके अंदर एक ये लाइन मार्क कर लीजिए, नैतिक विकास में बच्चे समाज के कुछ ऐसे नियमों को सीखते हैं जिनके माध्यम से उन्हें गलत तथा सही व्यवहार के बीच अंतर करने में मदद मिलती है। तो ये एक तरीके से मॉरल डेवलपमेंट का एजेंडा हो गया, एजेंडा कह सकते हैं, या फिर कि मतलब वो क्या किस तरीके से वर्क कर रहा है। मॉरल डेवलपमेंट जिसके अंदर आ जाएगी, जो मॉरली डेवलप हो जाएगा, तो वो क्या नया कर सकता है, वो सही और गलत में पहचान कर सकता है। ठीक है, अंतर डिफरेंस मार्क कर सकता है। ओके, तो इसको आप यहीं मार्क कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फिर अब हम आते हैं नए पे, डायमेंशंस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये इसके आप बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लीजिए और इसको सरसरी निगाहों से ऊपर से पढ़ लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट लगे आप उसको मार्क कर सकते हैं। ऑल्दो मुझे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मैंने सिर्फ इसकी हेडिंग मार्क कर दी है, बट आप चाहें तो उसको अंदर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बना हो आज तक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये सब कट कर दीजिए, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कट कर दीजिए। अब आ जाइए आप इसमें, साइको एनालिटिकल थ्योरी, इसकी फर्स्ट थ्योरी है साइको एनालिटिकल थ्योरी। इसमें सिर्फ आपको इतना देखना है कि ये थ्योरी दी किसने है, सिगमंड फ्रॉयड ने। ठीक है, और ये फ्रॉयड का मत है कि बच्चे में नैतिक विकास का उदय पराम सुपरिगो के कारण होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप मार्क कर दीजिए, मैं भी मार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये लाइन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ थ्योरिस्ट ने कहा है कि ये सुपरिगो की वजह से कोई चेंजेस नहीं आते। तो ये लाइन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि सुपरिगो इम्पॉर्टेंट है, किसने कहा है कि सुपरिगो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस वजह से इसके अंदर इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, ये बहुत अच्छी थ्योरी दी गई है बट इस चैप्टर में इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब ये चैप्टर, जिस चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया होगा, मैं वहां मार्क करवाऊंगी। अभी इसमें सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि ये सुपर ईगो इंपॉर्टेंट है और सिगमंड फ्रॉयड ने दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, ये अल्बर्ट बंडूरा ने दी है। ये मेनली बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पे, जो ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ठीक है, उसे सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि सुपर ईगो से उत्पन्न नहीं होता। देखिए, ये बिल्कुल उसका उलट बोल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप मार्क कर लीजिए एक दो। हाँ, ये दोनों चीज़ें इसकी इम्पॉर्टेंट है, ये ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्वेश्चन आज तक यही आया कि सोशल लर्निंग थ्योरी से कौन रिलेटेड है, कौन सा साइकोलॉजिस्ट रिलेटेड है, वो अल्बर्ट बंडूरा है। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब जैसे कि कोई बच्चा टीचर को कॉपी करता है, अपनी मदर को कॉपी करता है, तो वो उन्हें रोल मॉडल मानता है। तो मॉडलिंग मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, ये जो मैं छुड़वाते जा रही हूँ ना, ये सारा कंसेप्ट ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको भी कट कर दीजिए, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने बोला था पहले ये बहुत हल्का चैप्टर है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है एक्चुअली। जो चीज़ है मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बट इसका कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट अच्छे से नहीं दिया हुआ, तो जहाँ दिया हुआ होगा वहाँ मार्क करवाऊंगी। यही सेम कंसेप्ट दूसरे चैप्टर में डिफाइन करके भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इस पे आ जाइए। तो इस पैराग्राफ में तो सिर्फ रीजन वो दिया हुआ है डिफरेंस की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या डिफरेंस है। इसका डिफरेंस मैं बता ही देती हूँ कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एब्रप्ट चेंजेस से होती है। ठीक है, इसके अंदर एब्रप्टली चेंजेस आते हैं, तो बस ये मार्क कर लीजिए आप मार्क करना चाहते हैं तो, बाकी मैंने रीजन बताई दिया, इसके अंदर बस इतनी सी बात है। अब दो थ्योरीज आती हैं, जीन पियाजे थ्योरी, लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी, ये दोनों मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी हैं। तो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मार्क कर लीजिए कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने ये बुक लिखी है, द मॉरल जजमेंट्स ऑफ द चाइल्ड। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो दो स्टेजेस हैं इनकी थ्योरी में आ रही हैं, इस पर क्वेश्चन भी बना हुए हैं, अभी मैं क्वेश्चन भी आपको पढ़ के सुना दूंगी।
स्टेज ऑफ हेट्रोनॉमस मोरालिटी और दूसरा है स्टेज ऑफ ऑटोनॉमस मोरालिटी। तो मैं बताती हूँ स्टेज ऑफ हेट्रोनॉमस मोरालिटी का क्या मतलब है। अगर आप इसका अंदर का नहीं पढ़ना चाहते मैं इसको क्लियर कर दूंगी आपको, कि जैसे कि हम क्लास में होते हैं और टीचर ने कोई रूल बनाया होता है तो हम उसे फिक्स समझ लेते हैं कि हम उसे तोड़ नहीं सकते। ऐसा देखा गया होगा जब छोटी स्टेज पे होते हैं, जनरली ये तब की बात है, अगर मम्मी बोलती हैं कि चोरी नहीं करनी है तो हम उसे मान लेते हैं बात को, हम इसमें कोई मतलब अगर मगर नहीं करते, कोई रीजन आउट नहीं करते, मान लेते हैं आराम से, तो उसे बोलते हैं स्टेज ऑफ हेटरोनॉमस मोरालिटी। बट जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्टेज ऑफ ऑटोनॉमस मोरालिटी पे पहुंच जाते हैं, तब हमारा क्या होता है कि अगर हमसे कोई बात कही जाती है और हमें वो सही नहीं लगती तो हम सोचते हैं कि यार इसके अंदर चेंजेस कर लेते हैं ताकि लाइफ में हम बेटर लीड कर सके, ठीक है। तो उसे बोलते हैं स्टेज ऑफ ऑटोनॉमस मोरालिटी। इसका एक और नाम होता है, इसके अंदर नहीं दिया है मगर मैंने कहीं और पढ़ा था तो मैं आपको भी लिखवा देती हूँ, मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। इसको मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन भी बोलते हैं, और शॉर्ट में ये भी लिख लीजिए जैसे कि आपको याद रहे, वरना आपको पूरा फिर पढ़ना पड़ जाएगा। रूल्स कैन बी चेंज्ड, इसमें रूल्स चेंज हो सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ जो मैंने दूसरी बुक में पढ़े थे। इसका क्वेश्चन है ये वाला, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। रिया डज नॉट अग्री विद ऋषभ अबाउट सेटिंग अप अ क्लास पिकनिक। शी थिंक्स दैट द रूल्स कैन बी रिवाइज टू सूट द मेजोरिटी। दिस काइंड ऑफ पीयर डिसएग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। देखो पियाजे की थ्योरी के अंदर से ही वो पूछ रहा है, रेफर्स टू हेटरोनॉमस। हेटरोनॉमस में रूल्स फिक्स होते हैं। कॉग्निटिव इमेच्योरिटी ये तो कोई चीज है ही नहीं इसके अंदर, रिएक्शन ये भी नहीं है, मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, ये ऑटोनॉमस को कहते हैं मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन, जिसमें हम अपने रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो हमारे लिए सही होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है, ये आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरा, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब काट दीजिए। अब आप नेक्स्ट पे आ जाइए, 240 पेज नंबर, लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोलबर्ग ने जो थ्योरी बनाई थी मॉरल डेवलपमेंट की, ये रिफाइंड करके बनाई थी पियाजे की थ्योरी को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, प्लीज स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर इतने क्वेश्चन बने हैं, पूरा ये हाइंस की कहानी लिखी हुई है और यहाँ पर स्टेजेस दी हुई हैं, उस हाइंस की कहानी को पूरा स्टेज में ना बाइफकेट करके बताया गया, तो इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई मदद नहीं मिल सकती, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट टाइम भी आया था, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। हाँ ये यहाँ तक है, ठीक है, इसमें स्टेजेस भी हैं और सब स्टेजेस भी हैं उसके अंदर, तो हर चीज़ पढ़नी है, ओके ओके। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये चीज़ आप ना ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये भी पढ़ना है आपको ये पूरा, हाँ इसकी आलोचनाएं भी पढ़नी है, क्रिटिसिज्म भी पढ़ना है, बट इसकी मेन क्रिटिसिज्म मैं बता देती हूँ, अगर चाहें तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, बट मेन ये है, एक तो इसका ये वाला जेंडर बायसनेस हुई है, क्योंकि ये पूरी कहानी ना मेल को ध्यान में रख के बनाई गई है कि मेल ने कैसे रिएक्ट किया, फीमेल पे करा ही नहीं कोई एक्सपेरिमेंट उसने, तो इस वजह से ये जेंडर बायसनेस आया है, और एक कलेक्टिव हार्मनी, ठीक है। तो ये दोनों क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है, बाकी भी दिए हुए हैं बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब है कोरिलेट्स ऑफ मॉरल बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बना आज तक, बट आप चाहें तो सिर्फ इसका वो पॉइंट पढ़ सकते हैं, इंटेलिजेंस, एज, सेक्स डिफरेंस, ग्रुप नॉर्म्स, ऑल द इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ अब चैप्टर समरी में आ जाइए, मैं रिकमेंड करती हूँ कि चैप्टर समरी आप पूरी पढ़ें, हमेशा पूरी पढ़ें, ठीक है, हर चैप्टर में। अब इसका सेकेंड जरूर मार्क कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं बट हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें आपको बताती रहूँगी कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नैतिक विकास के मनोवैश्लेषिक सिद्धांत, सॉरी मेरे को हिंदी पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसका प्रतिपादन सिगमंड फ्रॉयड, ठीक है, द्वारा किया गया है, ये साइको एनालिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं, के अनुसार बच्चों तथा किशोरों में नैतिक व्यवहार का उदय पराम सुपर ईगो के कारण होता है। ये दो तीन जगह आ गया कि सुपर ईगो इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो उसको ध्यान में रख के काम कीजिएगा, और ये तो इंपॉर्टेंट थ्योरी है साइको एनालिटिकल, तो इसमें तो पूछा जा सकता है बिल्कुल, ठीक है। सो हैज योर चैप्टर फिनिश, कहा था ना मैंने कि बहुत लाइट चैप्टर है, ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो गया है, कि आप इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, एंड आई होप कि जब हम मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर लौटूं तो आपके दो चैप्टर्स एटलीस्ट कंप्लीट हो चुके हों, फर्स्ट और 10, ओके। सो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर मोर वीडियोज, ओके, बाय बाय एंड से आई कैन।